नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। बॉलीवुड के फेमस संगीतकार वाजिद खान का कल निधन हो गया। उन्हें सोमवार दोपहर को मुंबई के बरसोबा स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द किया गया था। ये वही कब्रिस्तान है जहां एक महीना पहले इरफान खान को भी दफन किया गया था। लेकिन वाजिद खान की मौत के बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वाजिद खान की मां उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाई हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वाजिद खान की मां भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। गायिका ममता शर्मा ने बताया कि बेटे की देखरेख के लिए उनकी मां भी हॉस्पिटल में रुकी हुई थी, यहीं वो कोरोना से पॉजिटिव हो गई और कोरोना की चपेट में आ गई। वाजिद की मां अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सकी। दरअसल वह कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें ये खबर सुनाने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता तो वो खुद को नहीं रोक पाती और उन्हें देखने की कोशिश जरूर करती, जो उनके लिए ही नहीं उनके आसपास के सभी लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता था। ऐसे में ये एक बहुत ही दुखद खबर है कि एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देख पाई है। आपको बता दें कि वाजिद खान को किडनी की समस्या के चलते करीब 60 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बताया गया है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। करीब 3 दिन पहले उनमें कोरोना के लक्षण दिखे थे, लेकिन उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है। इसके साथ ही वाजिद डायबिटिक भी थे। यहीं आपको बता दें कि वाजिद खान की मां रजिया खान अपने बेटे से पहले ही कोविड-19 की चपेट में आ गई थी, जबकि किडनी और गले के संक्रमण से जूझ रहे वाजिद खान बाद में कोरोना पॉजिटिव हुए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।